हम हरियाणा में सुख शांति चाहते हैं, भाईचारे में तकरार ना हो, टकराव ना हो, एक दूसरे से द्वेष ना हो। सिर्फ मकसद है भाईचारा स्थापित, एकता दोबारा स्थापित करना, जो बीते काल में हरियाणा में हमारे बुजुर्गों की हमारे ग्रामीण इलाकों में हुआ करती थी। पेट के मुद्दे, किसानी मुद्दे, शिक्षा, रोजगार, बहन बेटियों की सुरक्षा, ये जितने मुद्दे हैं भाईचारे की ताकत से, दम से, ना सरकार ना विपक्ष, सिर्फ भाईचारे की ताकत से हर मोड़ पे, हर मौके पे पूरा का पूरा हरियाणा एक आवाज में इकट्ठा होगा। पूरे हरियाणा में ऐसे पंप, जिसको कहते एकदम से पंप, पूरे हरियाणा में वो ताके दिखा देंगे भाईचारे की, ना सरकार में ना विपक्ष में। किसने कहा को नेता, सारी राजनीति खराब हो रही है, हमने तो सब भ्रष्ट हो रहे हैं, आपने देखा होगा। अगर समाज कुछ करे करे है तो जो बोले किसान आदमी है, जो भाईचारा है, 36 कौम है, जो नॉर्मल आदमी जिसने कम है, वह भाई साहब काम आओ है, नेता लोग काम करते। इस तरीके के ये रूल रेगुलेशन मतलब थोप दिए गए किसान पे, MSP का कोई अता पता नहीं है, क्या करेंगे, ये चीज भी खत्म कर देंगे। लोकल नेता कोई नहीं आता सर सपोर्ट में, सीधी सी बात है, अगर आते तो ये हालात आज के टाइम में नहीं बनते जो किसान के साथ हालात बन रहे हैं। तो ये चीज अब समझनी होगी सबको, और जहाँ किसान खुश है ना, जिस मुद्दे पे खड़े हैं, अड़े हुए हैं, अगर इसके आड़ में कोई राजनीतिक चमकाने की, अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहा है, वो सबसे गलत हो। मैं अपने नौजवान साथियों और किसानों को भी बोलना चाहूँगा, हर चीज़ को समझो, जिस मुद्दे पे फिलहाल खड़े हैं बिल्कुल सही खड़े हैं। उन हाईकमान को भी बोलना चाहता हूँ, बार बार ये चीज़ें ना करें, बार बार किसानों को सड़कों पर ना बिठाए। अगर आर पार की लड़ाई लड़नी है तो इस बार आखिरी बार, आखिरी जंग समझ के इस उम्र में हम आपके साथ खड़े हैं, तो ये लड़नी होगी। बार बार हमारी हिम्मत भी नहीं है कि हम बार बार सड़कों पे उतरे, आपके साथ आए। किसान किसी एक कौम का नहीं होगा, 36 कौम है, 36 कौम में किसान है, तो सब भाई ना अपन मिलजुल कर एकता तक काम करना पड़ेगा। जब ये नेता लोग दूर हटेंगे ना तो वह सारे का नंबर आना है। दुष्यंत चौटाला का ही मकान का घेराव क्यों किया गया? किसान नेता तो ये तो था, ट्रैक्टर लेके तो गया था, ये तो कहता मैं किसान का नूं कर दूंगा, किसान के केवाद उठाऊंगा, मेरे तो रे वीडियो पड़ी है, सुना दूं ये, पर एक मिनट आड़े सुनाऊंगा। जितने संघर्ष जोड़ दिया ना पब्लिक ने, जनता ने, तो ही नहीं पाओगे। या बता जो है किसान की लाठी में आवाज बहुत तेज है, ये मार भी जाना है, ये पुचकार भी जाना है, जब ये पेट भर जाना है ना तो पेट मत काट भी जाना है। इसकी मजबूरी का फायदा ना उठाओ भाई, 85 साल के आदमी अब लट पड़े हैं, शर्म की बात है यार, शर्म की बात है। किता है किसान, किता वो नेता जो ट्रैक्टर ले लेके उड़न बोले मैं करवा दूंगा, किता है पता कित गए किसान ना बात आओ तो कुछ नहीं, लठ मारो इनके, सबकी पेट की लड़ाई लड़ा है किसान, मरे है किसान, आत्महत्या करे है किसान, धूप मत जला तो किसान। नेता लोग ऐसे बैठे कच्चे काटे हैं, इनके विदेश में बालक पड़े हैं, मारा के भाई मेडल लिया तो किसान के बालक लिया हुए, फौजों भर्ती हो तो किसान के बालक हुए, सारा काम किसान ने उठ रखा है, लठ भी किसान नहीं खाऊंगे। शर्म कर लो, भगवान तक डर लो, आने वाली पीढ़ियां साहब ले लेंगी। लोगों ने वोट बीजेपी तक खिलाफ गिरे दुष्यंत के, नहीं गिरे हैं, अच्छा दूर खट्टर की जाई गोदी बैठे किया बना था, इसका विश्वासघात होगा किसान के साथ होया, और आज डिप्टी CM बन की बैठ गया और किसान आप लठ लग गए। धारा 144 किस बात की, धारा अगर किसान पे 144 लग गई ना भाई साहब, देश भूखा मरेगा, किसान खेत में जाना छोड़ देगा, अपना पेट भर ये कितने लाऊंगे, खा लेंगे नोटा ने, किसान खा के गुजारा कर लेंगे, अरे मारा ही खाओ हो, अरे मारा लठ मरवाओ हो, डॉक्टर हो या कोई दूसरा नेता हो या कोई और हो, खुद अपने बीच में आने चाहिए, ना समझौता ना ज्ञापन, ऑन स्पॉट जो किसान करेगा, जो डिसाइड करेगा वही होगा। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे, मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं भिवानी, और भिवानी जिले के बामला गांव में मौजूद हैं, और इस गांव की खासियत रही है ये पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, सब जिलों में, सब राज्यों में यहां से पहलवान बन के निकलते हैं, और हर अखाड़ा में यहां के पहलवान दिखाई देते हैं। काफ़ी नामी ग्रामी गांव है पहलवानों के नाम से।
तो आजकल एक मुद्दा चला हुआ है किसानों का, और मुद्दा भी वाजिब है क्योंकि 3 अध्यादेश जो सरकार लेके आई है उसमें किसान अड़े हुए हैं, इनको वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं भी लेते हैं तो एक अध्यादेश और आना चाहिए, उसमें जोड़ा जाए, अलग से आना चाहिए। MSP वगैरह जो किसानों की मांगे हैं उसमें बाकायदा लिखित में होनी चाहिए। तो मुद्दा भी वाजिब है। तो हमारे साथ जीत सिंह मौजूद हैं। जीत सिंह जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत है सर। हमारे साथ बामड़ा गांव के प्रसिद्ध पहलवान सुंदर पहलवान जी हैं, और ये भी काफ़ी पहलवानी में नामी ग्रामी पहलवान रह चुके हैं और अखाड़ा चलाते हैं। इनके साथ काफ़ी पहलवान भी जोर अजमाइश करते हैं, अक्सर देखे जाते हैं, और अब इनसे भी खासियत बातचीत होगी। ये भी किसानों के मुद्दे में कूद चुके हैं। तो पहलवान साहब, आपका भी स्वागत। राम राम भाई, सारे भाइयों राम राम। राम राम भाई साहब, धन्यवाद आपका भी। इतनी दूर था, इतने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ की भी साले आप बना तो किए हैं। मीडिया चल गया आगे तो देश चल गया आगे। अच्छी अच्छी बात दो भाई सुनेंगे कि मैं करना पड़ेगी। जी सिंह जी, पहले आपसे बात की जाए। एक संस्था बना रखी है आपने, सुनने में आया जी, YSS के नाम से है, युवा स्वाभिमान सेना। ये कैथल में है, और जो शुरुआत ली थी सिर्फ इसके जो मोटिव है, आपके पूछने से पहले बता देता हूँ जो इसके मोटिव हैं। हम क्या चाहते हैं, हम हरियाणा में सुख शांति चाहते हैं, भाईचारे में तकरार ना हो, टकराव ना हो, एक दूसरे से द्वेष ना हो। सिर्फ मकसद है भाईचारा स्थापित, एकता दोबारा स्थापित करना, जो बीते काल में हरियाणा में हमारे बुजुर्गों की हमारे ग्रामीण इलाकों में हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम में सब खत्म। खुद की सोचता है इंसान, एक खुद की सोचता है, मैं एक जंग चली हुई है चौधरी की, मैं चौधरी बनूंगा। एक होता है कि मैं नेता बन जाऊँगा, मैं पार्टी बना लूँगा। तो इस तरीका से जो सिस्टम चला हुआ ना, ये सिस्टम अब कहीं ना कहीं इसमें हम, मैं ये नहीं कह सकता पूर्ण रूप से सफल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कोई तो कोशिश करेगा। आज हम नहीं करेंगे, कल कोई और करेगा। शुरुआत जो जिम्मा कैथल से स्टार्ट किया है, जो स्टार्टिंग में सोचा था हम सिर्फ 20-30 बाढ़ के क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे सिस्टम, लेकिन इस टाइम जो एक महीने के भीतर जितना रिस्पॉन्स मिलने लग रहा है, कैथल मजबूती से इस मुट्ठी में आने लग रहा है। जिस दिन कैथल से मजबूत हो गए, भाईचारा जोड़ लिया, जो ये मुद्दे हैं, पेट के मुद्दे हैं, किसानी मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, बहन बेटियों की सुरक्षा, ये जितने मुद्दे हैं, भाईचारे की ताकत से, दम से, ना सरकार ना विपक्ष, सिर्फ भाईचारे की ताकत से हर मोड़ पे, हर मौके पे पूरा का पूरा हरियाणा एक वाज में इकट्ठा होगा, इतने हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। तो अभी कैथल से बाहर नहीं निकली आपकी सेना? जी, सेना बाहर है, जो अलग अलग प्रदेश है, मतलब जो हमारे राजस्थान है और जो UP है, उस तरफ लड़के अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि जिस टाइम आप कैथल से निकलोगे, अपने पूरे हरियाणा प्रदेश से निकलोगे, जिस समय आप दिल्ली पहुंचोगे, उस समय ये पूरा पूरा सेटअप आपको मिलेगा। जब खुद का गढ़ कमज़ोर रह गया ना सर, बाहर निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर गढ़ मजबूत है, ये मुट्ठी की पकड़ ऐसे है कैथल ज़िले से जहाँ से शुरुआत ली हमने, तो उसके बाद पूरे हरियाणा में ऐसे पंप, जिसको कहते हैं एकदम से पंप, पूरे हरियाणा में वो ताकत दिखा देंगे भाईचारे की, ना सरकार में ना विपक्ष में। और आश्वासन दिलाते हैं जिन भाइयों की एक थोड़ा डाउट रहता है कि आने वाले टाइम में ये नेता पाकेंगे, ये फलानी पार्टी करेंगे, नू करेंगे, तो नहीं है सर। वो जो लोग सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, उनका सोचना वाजिब है। आप जैसे बहुत बड़े नेता आ चुके और बड़े बड़े नेता बन चुके, बड़ी कुर्सियों में, एसियों में आराम कर रहे हैं आज, आपकी तरह ही उन्होंने शुरुआत की थी, आपकी तरह ही वो जमीन पर रह के घर घर पहुंचे हैं, हर व्यक्ति से मिले हैं, बड़ा स्ट्रगल किया, बड़े वादे किए उन्होंने, लेकिन उनसे कुछ हो नहीं पाया। आज वो अपने घर भर रहे हैं, अपने परिवार का, चाचा ताऊ बुआ भतीजा, मैं मेरा सब कुछ, तो क्या भरोसा है आपका? आपने सेना बना ली, जो बहुत अच्छी बात है, किसान आंदोलन में भी कूदे हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कल का कोई भरोसा थोड़ी है। अब भरोसा करे तो पब्लिक आप पे क्यों करे? सिर्फ इतना ही कहूँगा, जुड़ो भले ही नहीं, देखो परखो। आने वाले टाइम में जो इस टाइम बोलने लग रहे हैं, जो बात कह रहे हैं अपनी जुबान से, वादा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, बिल्कुल पूरा हरियाणा देख रहा है अभी, बिल्कुल बिल्कुल, जो वादा कर रहे हैं ये वो नहीं है नेता वाले पलट गए या पिछले बयान आएंगे वो सिस्टम होएंगे। थोड़ा सा समय दीजिए, आप इन चीजों को समझ जाएंगे। जब आपको लगेगा हाँ बिल्कुल सही चल रहे हैं ये लड़के लाइन पे, आप जुड़ते रहना। अगर आपको लगे लड़के गलत हैं, जरूरी नहीं आप बेड और बीड बनोगे। आप आजाद हो, आजाद पंछी हो, किसी भी टाइम बैकअप पीछे कर सकते हो और सीधा एक काम कर सकते हो, कांटा। पहलवान साहब, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप अच्छे खासे पहलवान, अच्छे नाम आपका, तो आप राजनीति में? नहीं नहीं भाई साहब, ये राजनीति कहें या फिर क्या कहें? मैं बताऊँगा, राजनीति तो देखो
मैंने पहले चुनाव लड़ा था मेरे गांव में, 26-27 वोटों से मार गया था, सेकंड नंबर पर आया था मैं। इसमें राजनीति को नहीं, अगर हम किसान के बेटे हैं, अगर किसान के हक में आवाज़ नहीं उठावाँगे तो इसमें तो फिर उठावा कौन? ये किसान की बात नहीं हो रही अभी तो? अभी मैं करूँ आपसे किसान की बात, लेकिन आप हर मुद्दे पे एक्टिव रहते हो, सोशल मीडिया पे अच्छे छाए रहते हो, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है? मतलब ये कहीं ना कहीं आगे जाके कहीं से चुनाव लड़ने के रास्ता नहीं है एमएलए का नहीं, नहीं, या पार्षद का या जिला प्रमुख बनने का कहीं अपना ड्रीम प्रोजेक्ट तो नहीं बना लिया? अगर मैंने राजनीति करनी है तो अगर मेरा पूरा गाँव का सहयोग रहा, भाईचारा का सहयोग रहा, तो मैं करूँगा। अब झूठ नहीं बोलते भाई, अगर मैंने करनी होगी ये तो 5 साल पहले की बात थी, जब तो मैं सक्रिय था भी कौन इसमें, मैं तो जब भी गांव में इलेक्शन लड़ रहा था। अगर अगर समाज ने मौका दे दिया, अगर राजनीति में अगर सही ढंग से आगे तो काम भी करके दिखाऊंगा भाई। ये 7-8 दंगल करवा लिए, कुश्ती करवा ली मैंने जब को राजनीति में था। ये तो सही है। तो पहले से एक बात और जानना चाहूँगा, वो मेरी खुद की बात है, आप पैसे नहीं देते लोगों को, क्या बात है? घी और बादाम क्यों देते हैं? मतलब कई जगह जाते हैं घी लेके पूछ जाते हैं, 51 किलो लो, 21 किलो लो, 1 क्विंटल लो, या बादाम दे रहा हूँ साथ में 20-30 किलो, तो पैसे कहीं, मतलब ये कभी कभी पैसे भी दे दिया, क्या बात है? मैं इतना बड़ा अमीर थोड़ी ना, पैसे दे दिया किसी बच्चे ने, वो आजकल के नौजवान बढ़कर कहीं यूज कर जाए, अगर खाना पीना देवेंगे तो वो खावाएंगे, वो किसी के पेट में पड़ेगा, तो इसलिए खाना पीना। और मैं तो भाई, तो ये बात नेताओं को भी समझाओ ना, नेता कौन से नेता? जो बड़े बड़े नेता आते हैं कह देते हैं सर हम आपको 51 जा देते हैं, 21 जा देते हैं, 51 लाख देते हैं, तो उनके ये कहो ना बच्चों के भविष्य के लिए कुछ, किसी ने कहा को नेता? सारी राजनीति खराब हो रही है अपने, तो सब भ्रष्ट हो रहा है, आपने देखा भी होगा। अगर समाज कुछ करे तो जो बोले किसान आदमी है, जो भाईचारा है, 36 कौम है, जो नॉर्मल आदमी जिसने कम है वह भाई साहब काम आओ हैं, नेता लोग काम नहीं आते। पनवन साहब, किसान अध्यादेश आ चुके हैं 3, सबको पता है, मारा पीटी हो चुकी, मैं ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाऊंगा, सबको पता है, सब देख चुके हैं इस बात को, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, खराब क्यों है, क्या खराब लगता है इसमें? मेरे को तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा, 1% भी अच्छा नहीं लगा, जब हमारे किसान खुश होना हम वहाँ पर खुश हैं। बुरा साहब जी, सर आप बता दीजिए क्या खराबी लगी इसमें और कैसे होना चाहिए? होना चाहिए तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जैसे आपने देखे हैं 3 अध्यादेश हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, कि किसान खुद के खेत में मजदूर बनेगा या सीधा कंपनियों को बेचेगा डायरेक्ट, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं रहेगा, ना ही किसान के साथ अगर 3 दिन का जो टाइम होता है कंपनी के साथ जो पेमेंट करने का, अगर वो पेमेंट 3 दिन के नहीं करते है, वो SDM उसका निकालता है, 30 दिन की कमेटी बनाता है, और बाद में जो किसान है वो कोर्ट का दरवाज़ा भी नहीं खटखटा सकता। इस तरीके के ये रूल रेगुलेशन मतलब थोप दिए गए हैं किसान पे, MSP का कोई अता पता नहीं है, क्या करेंगे, ये चीज़ भी ख़त्म कर देंगे। सुनवाई तो देखो पहले भी नहीं होते, जो आपने बात की, आप नेता से बात करते हैं, लोकल नेता से बात करते हैं, लोकल नेता कोई नहीं आता सर सपोर्ट में, सीधी सी बात है, अगर आते तो ये हालात आज के टाइम में नहीं बनते जो किसान के साथ हालात बन रहे हैं, तो ये चीज़ अब समझनी होगी सबको। और जहाँ किसान खुश है ना, जिस मुद्दे पे खड़े हैं, अड़े हुए हैं, अगर इसके आड़ में कोई राजनीतिक चमकाने की, अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहा है, वो सबसे गलत होगा। बहुत लोग खड़े जी सर इमोशन से खेलने के लिए खड़े हैं, तो ये मैं अपने नौजवान साथियों को और किसानों को भी बोलना चाहूँगा, हर चीज़ को समझो, जिस मुद्दे पे फिलहाल खड़े हैं बिल्कुल सही खड़े हैं, तो ये चीज़ है, सरकार इस पर लेगी एक्शन नहीं लेगी, वो 4 दिन का या 5 दिन का जो टीम दिया गया है, अब हरियाणा में चक्का जाम होगा, जो हाई कमांड करेगी रिक्वायरमेंट करेगी, और मैं उन हाई कमान को भी बोलना चाहता हूँ, बार बार ये चीज़ें ना करें, बार बार किसानों को सड़कों पे ना बिठाए, अगर आर पार की लड़ाई लड़नी है तो इस बार आखिरी बार आखिरी जंग समझ के इस उम्र में हम आपके साथ खड़े हैं, तो ये लड़नी होगी, बार बार हमारी हिम्मत भी नहीं है कि हम बार बार सड़कों पर उतरें आपके साथ आएँ। ना एक अध्यादेश सरकार और किसान कह रहे हैं आना चाहिए जी, अगर आपकी जो डिमांड है उस अध्यादेश में अगर आ जाती है तो फिर क्या रहे? ठीक रहेगा, अगर जो हाई कमांड बता देगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, हमसे पढ़े लिखे बुजुर्ग बहुत बड़े बैठे हैं, हम तो अभी शुरुआत ही है, पैरों की धूल भी नहीं है उनके, तो अगर वो बोल देंगे सही है, बिल्कुल सही चल रहा है और ये अध्यादेश आ चुके हैं, इसमें ये रिफेयर किया गया है या किसान के हक में है डायरेक्ट, तो बिल्कुल ठीक है, बढ़िया रहेगा। अगर नहीं है, हाईकमांड बोलता है
या किसान बोलते हैं अड़े रहेंगे तो अड़े रहेंगे सर। पहलवान साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहलवान साहब मतलब बोला आदमी ने क्यों उड़ जाओ, किस हद तक ये बात जाएगी ये बता दीजिए, बस सीधे शब्दों में नहीं उड़ जाऊंगा आपको, किस हद तक बात जाएगी? काफी बात आगे बढ़ चुकी है, आप किसान पीछे हटने वाले नहीं है, करो या मरो सरकार। एक बात बताओ, एक प्रश्न में आप तो पूछ लो छोटा, आप एक बात बताओ पीछे हटना चाहिए कि नहीं किसान? अब अगर अध्यादेश एक और लेके आती है इसके साथ ही कि अगर सरकार ले आती है नहीं, अब चलो नहीं हटना चाहिए मानता हूँ, मानो है ना हम गलत नहीं है, सही है ना, और सही का साथ देता आया हूँ और देऊँ भी गा भाई। मेरी एक स्पेशल बात बताऊँ अपना भाईचारा ने, देखो भाई किसान किसी एक कौम का नहीं होता, 36 कौम है और 36 कौम में किसान है, तो सब भाइयों ने अपने मिलजुल करें एकता तक काम करना पड़ेगा, जब ये नेता लोग दूर हटेंगे ना तो भाई सारे का नंबर आना है। मेरी हाथ जोड़ के अपील है भाई नौजवान भाइयों तें बड़े बुजुर्गों तें ईप कंधा तक कंधा मिला कि किसान का साथ दे दो भाई, मैं भी आपका हाथ जोड़ हूँ, किसान ने ना मरने दो, अगर किसान मर गया तो देश खत्म हो जाएगा, जो सबका पेट भर है भाई, इसके खुद के बालक भूखे सोए हैं, खुद के बालक सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, नेता लोग बालक विदेशों में पढ़े हैं, तो ऐसा काम ना होने दो भाई, हाथ जोड़ के पील है। और जो ये राजनीति नेता लोग हैं भाई, पहले तो बूढ़ा बोलोगे वोट ले जाओ हो और पास की देगी गोदी में बैठे पाओ किसी की में, ये क्रम अच्छे मिलते भाई, ये क्रम अच्छे को ना भाई, देश ने लूट की ना खाओ, बस लेने दो हमें नबी। और जिस दिन संघर्ष जोड़ लिया ना भाई, जिस दिन संघर्ष जोड़ लिया ना पब्लिक ने जनता ने, तो ही नहीं पाओगे। यह बता दूँ किसान की लाठी में आवाज बहुत तेज है, यो मार भी जाना है ये पुचकार भी जाना है, जब यो पेट भर जाना है ना तो पेट मत काट भी जाना है, इसकी मजबूरी का फायदा ना उठाओ भाई। 85-85 साल के आदमी अब लठ पड़े हैं, शर्म की बात है या शर्म की बात है? कितना है किसान, कितना वो नेता जो ट्रैक्टर ले लेके उड़न बोला मैं अनु करवा दूंगा, कितना है बता कित गए किसान? अब बात आओ तो कुछ नहीं, लठ मारो इनके, इन खातर इनकी रैली हो तो कोरोना नहीं कुछ भी नहीं, 10 आदमी बोले मीटिंग है कर लेंगे, हजारों आदमी इकट्ठे बरोदम होना रहे भाई साहब, जब कोरोना की जा है। अगर किसान ने अपना पेट खातर कर लिया, और वो पेट खातर को नहीं करता, तारा भी पेट खातर करे है, अगर किसान में सुधार होगा तो सबका सुधार होगा, सबके पेट की लड़ाई लड़ा है किसान, मरे है किसान, आत्महत्या करे है किसान, धूप मत जला तो किसान, नेता लोग ऐसे बैठे काचे काटे हैं, इनके विदेश में बालक पढ़े मारा के भाई, मेडल लिया तो किसान के बालक लिया, फौज में भर्ती हो तो किसान के बालक हुए, सारा काम किसान ने उठ रखा है, लठ भी किसान नहीं खाऊंगे, शर्म कर लो, भगवान तक डर लो, आने वाली पीढ़ियां साहब ले लेंगी, जब लठ फंसे है ना, जब इन अनुदिकन पोट सी, जब सारे नेता बने किसान की है। अब वहां क्यों नहीं पूछे, वजह क्या है? आवा दे रहे हैं ये, हम आ नहीं पाए, ये नहीं हुआ, आगे समर्थन करेंगे फिर देख लेंगे, लेकिन उस समय वहां क्यों नहीं पूछे पीपली में? यही तो राजनीति होती है, ये राजनीति पिछवार करो, किसान के साथ पीठ पिछवार को नहीं होगी, लोगों ने वोट बीजेपी के खिलाफ गिरे दुष्यंत के नहीं गिरे हैं, और पछ खट्टर की जाई गोदी बैठे क्या बना था, इसका विश्वासघात हुआ किसान के साथ होया, और आज डिप्टी सीएम बन की बैठ गया और किसान अब लठ लग गए, धारा 144 किस बात की, धारा अगर किसान पे 144 लग गई ना भाई साहब, देश भूखा मरेगा, किसान खेत में जाना छोड़ देगा, खेत में जाना छोड़ देगा, अपना पेट भर ये कितने लाऊंगे, खा लेंगे नोटा ने पीछे ने खा के गुजारा कर लेंगे के? अरे मारा खाओ हो और फिर मारा लठ मरवाओ हो, किसान ने इतना पागल समझ गए कि बोला है यो इन्हें लूट के ना खाओ। कैथल से आए हैं जी, अच्छी बात है, तो यहाँ पे क्या स्टेप होगा गए आपका, आपकी क्या रणनीति होगी, किस तरीके से आप मतलब देख रहे हो इस मामले? जी सर, अभी जो बातचीत हुई है कैथल में भी, भाइयों से भी, हर जगह हर मोड़ पे किसानों के साथ खड़े हैं, जहाँ जो आदेश होगा फर्स्ट स्टेप उठाने के लिए तैयार हैं। और जो आपने बात करी अभी सुंदर भाई जी से पूछ रहे थे, जो ये कमेटी बनी है उनकी जो सिस्टम बने हैं, बुलाए गए हैं सब दिखावा, अगर हम लोग एक हो मांगे, नहीं सर कमेटी भी उन लोगों की बनी है जिनके पास कोई पद नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है, कोई संत्रालय नहीं है, वो कोने में डाल रखे हैं, वो नेता जाके लोगों के बीच बोल रहे हैं कि आप जी समझौता करें, लेट मी कंप्लीट। तो मैं बताना चाहूँगा, जो आपने कहा कमेटी बनी है ये सब कोई पद नहीं है, वही चीज़ मैंने बताई, ये सब दिखावा है, काम और जो अपनी ताकत बनेगी इस समय, खट्टर हो
या कोई दूसरा नेता हो या कोई और हो, खुद अपने बीच में आने चाहिए, ना समझौता ना ज्ञापन। ऑन स्पॉट जो किसान करेगा, जो डिसाइड करेगा, वही होगा जब अपनी खुद की एक ताकत होगी। तो सारे समय रहते एक हो लो, ना तो नुए रोड़ा पर बैठोगे, नुए रोंदे रहेंगे। और ये जिस टाइम कोरोना काल चला था, किसानों से ये अनाज मांग रहे थे, और उससे पहले ये 5-5 रुपए बच्चों से मांग रहे थे, जब तो ये ऐसे हाथ करके आ जाए। ईब जो अपने बीच में था, जयचंद की बात चली थी, जयचंद निकल निकल के ये पानी मार सिस्टम जो है, अब सिस्टम खत्म करना है। ये सब इकट्ठे हो लो, ताकत बन जाओ, और खुद जहां बैठोगे ये खुद आएंगे। पहले भी इतिहास में होता है, इतिहास दोबारा दोहराने की अब कोशिश रहेगी, अपनी रहेगी, उनकी नहीं। ताकत बन जाओ भाई, बार बार ना भी करो, और बार बार ये कहना नहीं, ये बात कमजोर ना करो, इकट्ठे हो जाओ और एक उस पर प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाओ, बार बार ना बटो। और जितने संगठन और जितने ये किसान यूनियन पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं, नहीं अलग अलग, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए निकलते हैं। लेकिन जब किसान इकट्ठा होना चाहवा है, ये अपने नेता के पास पहुंच जाए, लेकिन अपने अपने जो किसान है उनकी लेके एक मौका पर नहीं पहुंच पाते, यह कमी है। हजार तो ऊपर तो जरूर होंगे किसान ना के, अलग अलग नेता खिंडके सारे बैठे पावेंगे, तो वो भी किसी न किसी नेता के चमचागिरी है सर, डायरेक्ट है। ये चीजों से उब चुके हैं। अगर ये सोच रहे नौजवानों को बेवकूफ बनाएंगे, या फिर जो पेट के मुद्दे हैं उनसे हटकर ये बीजेपी कांग्रेस जेजेपी फलानी दिगड़ी नेताओं पार्टियों में और हिंदू मुस्लिम इनमें और बिरादरियों में अगर बांटे रखेंगे, तो हम अपना मुद्दे नहीं उठा पाएंगे। ये चाहते ही है डिवाइड एंड रूल, जो नहीं होने देना है। दोबारा तो इकट्ठे हो जाओ, और बार बार यू मौका या एनर्जी नहीं आंदी, और यू बार बार पैसा वेस्ट करोगे, सड़क में बैठोगे, टाइम बर्बाद करोगे। सबसे बड़ी कमी अपनी है, एक नहीं तो सब कुछ खत्म, एक नहीं है तो खत्म है भाई। मीडिया वालों को आप आए, आपका धन्यवाद सर, जो आपने किसान के मुद्दों पे बात की। जड़ा चौथा सतम कहा जावा मीडिया, सतर आज का टेम में कड़ा है, नीचा है गर्त में। जो मीडिया वाले आजकल केयर होने लग रहे हैं, कंगना रिया सुशांत फलानी दकड़ी ड्रग्स और ये, और जो ये 4-5 कबूतर बिठा दिया है, ये नुन्ना तो नुभों कहा बोल ले जावा, पब्लिक का फद्दू काटना, यह चीज छोड़ दो भाई। और सारे भाइयों तक कहना चाहूँगा, जो देखने लग रहे हैं, बड़े बुजुर्ग जितने भी देखने लग रहे हैं, जो मीडिया वालों आपको लगे आप तक सही बात पहुँचा रहा है, हक की आवाज़ पहुँचा रहा है, सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ना लगा ये भी वह भर गए हैं, वो है सिस्टम जो मीडिया इंटरनेशनल लेवल की मीडिया करने लग रही है, तो बायकॉट करो, बहिष्कार करो, जूत मारो। मामला शांत हुआ, दुष्यंत चौटाला का ही मकान का घेराव क्यों किया गया? वहाँ पे पुलिस सेंटर में आती है अनिल विज के, अनिल विज का घर उसका नहीं किया गया, मनोहर खट्टर का घेराव का मुख्यमंत्री उनका घर का नहीं किया गया, तो ये समझ में नहीं है पब्लिक दुष्यंत चौटाला का मकान का घेराव क्यों किया? किसान नेता तो यही तो था, ट्रैक्टर लेके ही तो गया था, यही तो गया था, मैं किसाना का नू कर दूंगा, किसाना के क्या आवाज उठाऊंगा, मेरे तो रे वीडियो पड़ी है, सुना दूंगा, ये पर एक मिनट आड़े सुनाऊंगा। जो बड़ी बड़ी डिंग आ था, मैं किसाना का नौकर दूंगा, मैं तारी पल्सर इतने रुपये कर दूंगा, कितने गए वो मत दे, 2250 इतनी तो भी बढ़ा होती सरकार, इसने के कर दिया फिर, इन्हें तो ठमरवा दी धारा 144 है, के मतलब होता, कदी इसका दादा नहीं काम करे थे के, चौधरी देवला ने कदी काम करे थे, किसानों के लिए जेल काट दी उस आदमी ने, और इसने लठ मरवा दिए, बदलाव आ गया सीधा सीधा। कुर्सी के लिए लड़ाई थी डिप्टी सी एम, डिप्टी सी एम तो तनकर नहीं बनाए थे, वर्क करा किसी ने दाऊ जीती से करवा दी सारी पार्टी, इब के कहूँ फिर वह बात राजनीति वाली बात आ जाएंगे, हम करना नहीं चाहते। अरे मैं एक अपील करूँ भाई, किसान आंदोलन में किसी भी नेता ना ले लियो, किसी भी पार्टी का नहीं, अपना काम अपना लकड़ेगा, इन्हें सिर्फ वोटा होती है, मतलब अपने वोट पका के जाएंगे, और फिर आप उड़े फिर आ जाओ नीचे के नीचे। तो हमारे साथ सुंदर पहलवान जी और जीत सिंह से बने हुए थे, काफ़ी मेरी बहुत काफ़ी इतने बड़े क्वेश्चन है मेरे पास, यानी कि सुबह से शाम से इनसे बात करूंगा तो भी पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर कभी ज़रूर मिलूंगा और जीत सिंह भी कभी ज़रूर मिलेंगे। लेकिन इतनी सच्चाई है, किसान इस कोरोना काल में अगर किसान ने किसी का पेट भरा है तो वो किसान है जिसने डर नहीं लगा, भय नहीं लगा, रात दिन कटाई करके हर घर तक निवाला पहुँचाया है, उनके चौकट तक गया है, चाहे वो दूध हो,
चाहे वो चीनी हो, चाहे वो अनाज हो, कोई भी चीज़ हो, 36 बिरादरी जो किसानी करती है वो हर घर तक पहुंची है इस कोरोना काल में। फिर कभी किसी विषय पे, नए मुद्दे पे चर्चा करेंगे। जब तक देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।